और अफगानिस्तान एक ऐसी स्थिति से गुजर रहा है जिसे देखकर रूह सहर जाती है। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद अब अफगानिस्तान के लोग आर्थिक संकट की मार झेलने को मजबूर हैं और देश की सत्ता दहशतगर्दों के हाथ में पहुंच गई है। आइए आपको दिखाते हैं अफगानिस्तान के ताजा हालात इस रिपोर्ट के जरिए। ये दर बदर भटकते लोग कुछ समय पहले तक आजादी की हवा में सांस ले रहे थे, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी और परेशानियों के बीच अपने परिवार के साथ एक छत के नीचे मौजूद थे। इस बात से बेखबर कि आने वाला वक्त इन्हें बेघर करने वाला था और इन्हें दर बदर भटकने के लिए मजबूर होना पड़ेगा। देश के जिन आलाकमानों के भरोसे ये लोग जीवन व्यापन कर रहे थे, इन्हें क्या पता था कि वही लोग तालिबान के लड़ाकों के आगे घुटने टेक देंगे। और फिर दुनिया ने देखा तालिबान के खौफ का वो मंजर जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। ये तमाम लोग जो भाग रहे हैं वो शायद ही ये जानते हैं कि ये कहां जाएंगे, पर हाँ ये देखकर इतना साफ पता चलता है कि तालिबान की हुकूमत तले जिंदगी इन्हें मंजूर नहीं। पर अब भी कुछ लोग अफगानिस्तान में तालिबान का सामना कर रहे हैं। बस इतना ही नहीं, अफगानिस्तान भीषण मानवीय संकट से गुजर रहा है। हालात ये हैं कि कैदी जेल चला रहे हैं और घर चलाने के लिए लोग अपने घर के जरूरी सामान बेचने को मजबूर हैं। महिला मानवाधिकार कार्यकर्ता खजीदा अहमद बताती हैं कि मैं ऐसे कई परिवारों को जानती हूं जिन्होंने कुछ पैसे कमाने के लिए अपना फर्नीचर और अन्य सामान बेच दिया है। काबुल के चमन ए हौजरी मजारे शरीफ के बाजारों में ऐसे नजारे आम हो चले हैं। ये बाजार रेफ्रिजरेटर, कुशन, पंखे, तकिए, कंबल, चांदी के बर्तन, पर्दे, बिस्तर, गद्दे, कुकवेयर और अलमारियों से भरे हैं। खजीदा ये भी कहती हैं कि लोग दो आशंकाओं से डरे हुए हैं। पहली ये कि तालिबान उन्हें मार डालेगा और दूसरी कि भूख उन्हें मार डालेगी। देश में कीमतों में बढ़ोतरी की निगरानी के लिए अभी तक कोई चेक एंड बैलेंस सिस्टम नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने चेतावनी भी दी है कि 97% से अधिक अफगान आबादी 2022 के मध्य तक गरीबी रेखा से नीचे पहुंच सकती है। उधर तालिबान को उम्मीद है कि दूसरे देशों से आर्थिक सहायता में कमी आई तो चीन और रूस इसकी भरपाई करेंगे, लेकिन अभी तक दोनों ही देश इस मुद्दे पर शांत हैं। और इसी बीच अब सैन्य परिवारों को घर छोड़ने का फरमान जारी कर दिया गया है, जिसके विरोध में सड़क पर लोग उतर आए। दरअसल तालिबान ने कांधार के जारा फरका में बसे हुए 3,000 सैन्य परिवारों को घर छोड़ने का फरमान दिया, जिसके विरोध में हजारों लोगों ने मार्च भी निकाला। इनका कहना है कि वो मरते दम तक अपना घर नहीं छोड़ेंगे। तो वहीं आपको बता दें कि ये 10,000 से अधिक लोग यहाँ रहते हैं। इनमें कई विधवाएं या सैनिकों की पत्नियां शामिल हैं जो 20 सालों में तालिबान के खिलाफ कार्रवाई में मारे गए या घायल हुए हैं। यहाँ हर 3 में से एक व्यक्ति भुखमरी का सामना कर रहा है। कई शहरों में राशन वितरण केंद्रों के बाहर लंबी लंबी कतारें हैं। पर इन सब के बीच यूएन का अनुमान है कि 3 में से एक अफगान भुखमरी का सामना कर रहा है। अभी 50% आबादी गरीबी की रेखा से नीचे है और ये देश विदेशी मदद पर निर्भर था, पर पश्चिमी देशों के ज्यादातर एनजीओ अब बंद हो चुके हैं। मजार शरीफ शहर में रहने वाले किसान मीर वाली बताते हैं कि बीते 2 सालों से हम सूखे का सामना कर रहे हैं, अब हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। अफगानिस्तान में आर्थिक संकट तेजी से गहराता जा रहा है। यहाँ कैश की भारी कमी देखी गई और लोगों के पास देश छोड़कर जाने या फिर खाने का सामान खरीदने तक के पैसे नहीं है, जिसके कारण अब वो अपने घर में रखे सामान को बेचने के लिए मजबूर हो गए। काबुल के एक बाजार में लोगों की काफी भीड़ देखी जा रही है। तालिबान के कब्जे के बाद अब आम लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है, तो वहीं काफी कम दाम पर वो लोग अपने घर का सामान बेच रहे हैं। बाजार में बेचे जाने वाले सामान में प्लेट, ग्लास, रसोई का दूसरा सामान, 1990 के दशक के टेलीविजन सेट, पुरानी सिलाई मशीन, कारपेट, सेकेंड हैंड सोफे और पलंग जैसी चीजें शामिल है। लोगों का कहना है कि तालिबान के आने के बाद अब देश में नौकरियां नहीं बची। साथ ही आपको ये भी बता दें कि लोग हर हफ्ते बैंक से केवल $200 ही निकाल सकते हैं, लेकिन इतने पैसे निकालने के लिए भी बैंक के बाहर लंबी लाइन लगानी पड़ती है।
जिससे साफ पता चलता है कि देश में कैश की भारी कमी हो गई है। बहरहाल सवाल ये उठता है कि अफगानिस्तान में तालिबान ने सरकार तो बना ली, पर ये नई सरकार भूखे लोगों का पेट भरने के लिए क्या करेगी? क्या तालिबान की आलाकमान अफगानिस्तान की आर्थिक व्यवस्था को सुधार पाएंगे? खौफ का ये साम्राज्य आखिर कब तक टिक पाएगा? स्पेशल रिपोर्ट आर्यन न्यूज़।